नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, जोमेटो लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों, जोमेटो लिमिटेड के Q4 के नतीजे आने थे, Q4 2022 के 23/5/2022 को। स्टॉक प्राइस की बात करते हो 56 रुपीज में आ गया है। 169 का इसका 52-week हाई था 16 नवंबर 2021 को। भारी गिरावट देखने को मिली है जोमेटो लिमिटेड में। बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं, जो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोमेटो लिमिटेड को रखा है। नया IPO आया था इसका और IPO प्राइस से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। जोमेटो लिमिटेड का जो बिजनेस है, फूड डिलीवरी का बिजनेस है, और Q4 के नतीजों का अपडेट आया है। तो रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ है, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, और पिछले क्वार्टर्स में नुकसान था जोमेटो लिमिटेड को, तो Q4 2022 के नंबर्स का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, डिस्कस और चर्चा करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस देखिए लगातार गिर रहा है, लगातार स्टॉक गिर रहा है, तो IPO प्राइस से नीचे की तरफ है। तो Q4 में क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या ग्रोथ रही है, उसको देखते हैं दोस्तों। जोमेटो लिमिटेड के Q4 के नंबर्स हैं, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। और 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं तो 1211 करोड़ का रेवेन्यू है Q4 2022 में। एक साल पहले 692 करोड़ का था और Q3 में 1112 करोड़। तो रेवेन्यू बड़ा है सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम सीधे देखते हैं तो 1350 करोड़ का हुआ है Q4 में, और एक साल पहले 750 करोड़ का था और Q3 में 1259 करोड़ का था, 1259 करोड़ का था। तो टोटल इनकम Q4 2022 में जोमेटो का 1350 करोड़ का हुआ है, सालाना भी बढ़ के आया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया है। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 1701 करोड़ का है, 1701 करोड़ का है, और टोटल इनकम है 1350 करोड़। तो कंपनी को नुकसान है, लॉस फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो 359 करोड़ का नुकसान है। दोस्तों जोमेटो को Q4 2022 में 359 करोड़ का नुकसान हुआ है, 359 करोड़ का, और साल भर पहले 134 करोड़ का था और Q3 में 67 करोड़ का था। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है बट ये कि नुकसान भी बढ़ गया है। और अर्निंग पर शेयर है 0.47 माइनस है अर्निंग पर शेयर। एक साल पहले माइनस था 0.21 का माइनस, और Q3 में 0.08 का। दोस्तों तो देखिए जोमेटो लिमिटेड को Q4 2022 में 359 करोड़ का नुकसान है। दोस्तों तो एक तरह से देखिए कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और घाटा बढ़ रहा है। रेवेन्यू में थोड़ा बहुत एक तरह से जंप आया है। अब स्टॉक प्राइस को देखते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो जोमेटो का जो शेयर प्राइस है लगातार एक तरह से गिरावट में है। 56 रुपीज़ तक पहुंच गया और इसका जो हाई था 169 रुपीज़ का था। और Q4 के नतीजे हम लोगों ने देखे तो रेवेन्यू तो बढ़ा है बट ये कि नुकसान भी देखिए एक तरह से सालाना बढ़ गया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी नुकसान बढ़ गया है। दोस्तों तो 359 करोड़ का नुकसान हुआ है और स्टॉक में लगातार दबाव है। Q4 के नतीजों में नुकसान रहा है कंपनी को और रेवेन्यू बढ़ा है तो थोड़ा बहुत जंप आ सकता है बट ये कि आगे आने वाले दिनों में स्टॉक में दबाव रहने की संभावना रह सकती है। तो दोस्तों ये जोमेटो लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है Q4 2022 का। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने का धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।